भागलपुर में चैती नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर मंगलवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महिलाओं ने डलिया चढ़ाकर अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना मां दुर्गे से की। चैती नवरात्र के आठवें दिन मंगलवार को अष्टमी पूजा का उल्लास चरम पर रहा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लग गई। वहीं चैती दुर्गा मंदिर और हनुमान मंदिरों में विशेष भीड़ देखी गई। महिलाओं ने आज के दिन डलिया चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की। बता दें कि डलिया चढ़ाने की परंपरा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं का मानना है कि डलिया चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थानाध्यक्ष प्रियरंजन के नेतृत्व में पुलिस बल और महिला पुलिस बल तैनात किए गए थे। साथ ही नगर परिषद की ओर से पूरे शहर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। वहीं शाहबाद चैती मेला अध्यक्ष और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जवाहर मंडल ने सभी भक्तों को चैती नवरात्र और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने लोगों से त्यौहार शांति पूर्वक मनाने का आह्वान किया। बहुत अच्छा है, नवरात्रा की शुभकामनाएं। आज अष्टमी है, इस अवसर पे हम मेरी देवरानी सबको पूजा करने के लिए आए हुए हैं और ये जो भी है ये बहुत अच्छे हैं कि हर चीज़ आप लोगों को अप टू डेट देते रहते हैं। हम लोग का मनोकामना पूरा होता है और दुर्गा माँ बहुत हम लोग का मनोकामना पूरा करती है। बहुत इच्छा से हम लोग हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। भागलपुर लोकसभा के आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भागलपुर लोकसभा में आम निर्वाचन के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। निर्वाचन के सफल संचालन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया समाप्ति तक आगामी सभी प्रकार के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। इसमें रविवार व ऐच्छिक सहित विभिन्न तरह के अवकाश भी शामिल हैं। डीएम का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। डीएम ने सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि किन्हीं कर्मी और पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के उल्लंघन से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र दौलतपुर गांव में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने 2 किसानों को गोलियों से भून दिया। इस वारदात में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बाद थाना पुलिस और सुल्तानगंज थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार मिरेट्टी गांव के भैंस चरवाहा द्वारा गेहूं के खेत को बर्बाद करने और जबरन गेहूं का भूसा ले जाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण मंगलवार को यह घटना घटित हुई है। मृतक किसान की पहचान मुकेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। वहीं घायल किसान का नाम कार्यलाल मंडल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल किसान को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस घटनास्थल से सुराग जुटाने में जुटी हुई है, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने अपराधियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। इधर घटना से इलाके के लोगों में काफ़ी दहशत फैल गई है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। भागलपुर पेंशनर समाज भवन में मंगलवार को जिला विधिक संघ की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक संघ के निवर्तमान महासचिव बिमल कुमार बिमल समेत कई अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए अधिवक्ताओं ने संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री को नमन किया। वहीं जयंती समारोह की अध्यक्षता जलधर मंडल और संचालन कपिल देव ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिमल कुमार बिमल समेत कई अधिवक्ताओं ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान निर्माण सहित देश के हित में किए गए कार्यों की चर्चा की और उनके द्वारा बताए गए आदर्शों का अनुकरण करते हुए देश को मजबूती प्रदान करने की बात कही। साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि देश को सशक्त बनाने में हमारा संविधान महत्वपूर्ण अंग है और इसकी रक्षा करते हुए देश को कानून सम्मत कार्यों के साथ
प्रगति के पथ पर आगे ले जाना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। इस दौरान बाबा साहब के सम्मान में जमकर नारा लगाते हुए देश में हर स्तर पर समानता के साथ विकास करने की बात कही गई। इसके अलावा कार्यक्रम में लोकसभा आम चुनाव 2024 और DBA में होने वाले चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ता मतदाताओं को वोट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई। मौके पर आनंद यादव, संजय कुमार संजय, अभिषेक कुमार, राकेश रोशन समेत काफी संख्या में DBA भागलपुर से जुड़े अधिवक्ता मौजूद रहे। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 90वीं जयंती के अवसर पर ध्यान, सत्संग एवं भंडारा का आयोजन किया गया। महर्षि में ही अन्न क्षेत्र हरिद्वार में संत महात्मा एवं श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया, जिसमें सभी गुरु भक्तों ने सद्गुरु को नमन करते हुए महर्षि हरिनंदन परमहंस के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही कई दाता और श्रद्धालु भक्तों द्वारा भंडारा के लिए सहयोग प्रदान किया गया। इसको लेकर पंकज दास बाबा ने बताया कि मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में महात्मा और भक्तगण कार्यक्रम में शामिल हुए और भोजन स्वरूप भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा जयंती समारोह को लेकर संत महात्माओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भक्ति में झूमते हुए ईश्वर और गुरु को नमन किया। साथ ही हमेशा सद्गुरु महर्षि में ही के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर ध्यान, अध्यात्म और भक्ति को आत्मसात करने की बात कही गई। भागलपुर के महात्मा गांधी पथ स्थित प्रधान डाकघर के समीप मंगलवार को एक होटल में राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई की बैठक की गई, जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रदीप यादव, विजय यादव और रिंकू राज समेत कई राजद नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। वहीं मंच का संचालन डॉक्टर आनंद आजाद ने किया। वहीं बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए राजद नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान चलाने पर बल दिया गया। साथ ही महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने और विपक्षी गठबंधन को मजबूती प्रदान करने की बात राजद नेताओं ने कही। बैठक में विजय कुमार, दिलीप कुमार, गौतम बनर्जी और मंजित समेत अलग अलग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं काफी संख्या में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।